राज्यव्यापी आंदोलन के तहत गुरुवार को ग्यारी गांधी मैदान के गेट पर जन अधिकार किसान परिषद के द्वारा MSP कानून लागू करने व प्रदेश भर में खाद एवं बीज की घोर कालाबाजारी को लेकर एक दिवसीय महाधरना आयोजित किया गया। धरना की अध्यक्षता बिहार प्रदेश किसान परिषद के उपाध्यक्ष मुकेश नारायण एवं संचालन जिला किसान परिषद के महामंत्री सतीश वर्मा ने किया। इस मौके पर सर्वप्रथम देश के जाबाद अफसरों का हेलीकॉप्टर क्रैश में जो मौत हुई, इसके लिए 2 मिनट का मौन रखकर आत्मा की शांति की कामना की गई। इस मौके पर प्रदेश किसान परिषद के अध्यक्ष सह जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता राजीव कुमार कन्हैया ने कहा कि देश के अन्नदाता के द्वारा MSP की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार के द्वारा इसे लागू न करना किसान विरोधी नीति को दिखाता है। वहीं उन्होंने कहा कि आज पूरे देश प्रदेश में किसान को खाद एवं बीज के लिए लंबी लंबी कतार लगने के बावजूद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के संरक्षण में बिचौलियों के द्वारा उच्च दामों पर कालाबाजारी हो रही है। इस देश और राज्य में देश के अन्नदाता को खाद एवं बीज की घोर किल्लत होना किसान विरोधी को दर्शाता है। मित्रों, आज किसान विरोधी नीति को लेकर बिहार प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों पर आज जनाधिकार पार्टी धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताने आई है। मित्रों, आज हम लोग मांग करने आए हैं कि जो MSP कानून है किसानों का, उसको लागू करे अविलंब सरकार। आपको बताना चाहते हैं कि जो किसान 80% इस देश में किसान है, यहाँ के अन्नदाता मालिक किसान है, और आज तक तमाम लोगों को मूल्य का निर्धारण किया गया, लेकिन अकेला किसान है इस देश का जिसका मूल्य निर्धारण करने में सरकार संकोच कर रही है। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि इस किसी काला कानून को लेकर इस देश में लगातार किसानों ने आंदोलन महीनों सालों तक करने का काम किया। कितने किसान शहीद हो गए, और शहीद होने के बाद जाकर सरकार चेती और इस काला कानून को वापस लेने का काम किया। आज हम लोग मांग करने आए हैं कि अविलंब इस देश और राज्य में MSP सरकार लागू करे। आज इस धरना के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो देश का राज्य का जो अन्नदाता है वो खाद बीज के लिए आज लंबी कतार में लगा हुआ है। आप लोग अभी चले जाइए, मैं इस पर दावा करता हूं कि आज मेहता पेट्रोल पंप के पास किसानों का खाद बीज बट रहा है। आप जाके वहां सर्वे करिए कि आज पूरी तरह से किसान लंबे लंबे कतारों में है। एक ट्रक खाद सरकार के द्वारा लाया गया है और 2000 किसानों की भीड़ है वहां पर। मित्रों, जिस देश में जहां ज्यादा किसान लोग रहते हैं, उस देश में अगर किसानों को खाद बीज भी मुहैया नहीं हो पा रहा है, तो इस देश के किसान विरोधी नीति को स्पष्ट जाहिर करता है। आज इस तमाम मांगों को लेकर जनाधिकार पार्टी के आदरणीय नेता पप्पू यादव सहित तमाम बिहार के जनाधिकार पार्टी के नेता आज तमाम बिहार के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज हम लोग सरकार को कहने आए हैं कि सरकार अगर किसान विरोधी नीति को नहीं छोड़ती है, तो किसान विरोधी नीति को लेकर आदरणीय पप्पू यादव के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस आंदोलन को और तेज करने का काम किया जाएगा, और इसकी पूरी जिम्मेवारी केंद्र एवं बिहार की वर्तमान सरकार को होगी। धन्यवाद।